नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह के जबेरा विद्युत मंडल को उपभोक्ताओं ने दी चेतावनी, विद्युत समस्या का नहीं हो रहा है समाधान। तहसील जबेरा के ग्राम छोटी कड्डी में करीब 3 वर्षों से खराब ट्रांसफार्मर एवं लीक की समस्या से जूझ रहे ग्रामवासी जबेरा जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि डॉक्टर सुजान सिंह के निरीक्षण के दौरान ग्रामवासियों ने सुनाई समस्या, बताया कि गांव में फैली हुई लीकें जलकर खराब हो गई है। ट्रांसफार्मर से लाइट इतना कम वोल्टेज आता है कि बल्ब भी सही से नहीं जल पाते हैं और पंखे तो बिल्कुल ही नहीं चल पाते हैं, जिससे भीषण गर्मी में आए दिन लोग बीमार पड़ रहे हैं। रात्रि के समय अंधेरे में ग्राम में जहरीले कीड़े काटने का भी भय बना रहता है। कग्गी ग्राम के बंटू सिंह, टीकाराम रैकवार, हनुमत सिंह, राजा सिंह लोधी, अर्जुन सिंह, मुन्ना विश्वकर्मा ने बताया कि विद्युत विभाग नोल्टा को इसकी जानकारी हम लोगों द्वारा कई बार दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी हमारे गांव की समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं है। कग्गी के ग्रामवासियों ने कहा कि गांव की केवल एवं ट्रांसफार्मर को सही नहीं किया जाता तो हम सभी जबेरा जनपद उपाध्यक्ष डॉक्टर सुजान सिंह के साथ भगवती मानव कल्याण संगठन एवं समस्त ग्रामवासी विद्युत केंद्र नोहटा के सामने धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। सब लाइन की सबसे ज्यादा समस्या है, चाहे विधायक हो चाहे कोई वोट मांगने के लिए आदमी इधर आ जाते हैं, लेकिन लाइट की समस्या कोई पूरी नहीं कर पा रहा। 1-2 साल से हम देख रहे हैं तो हमको रात में इतनी दिक्कत होती है कि फैन भी नहीं चलने को आता है। सबसे ज़्यादा लाइट की ही दिक्कत है, बाल बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर काट रहा है, इसकी वजह से गुजारिश है कि कोई भी जो भी हो डीपी की समस्या आ रही है। लाइट नहीं आई 3 साल से। इसकी शिकायत वगैरह की है हम लोग 2-3 बार 181 पे भी शिकायत की, कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो कोई आसपास से कोई जनप्रतिनिधि आया है समस्या सुनने के लिए आप? कोई नहीं आता है, शिकायत करने का कोई मतलब नहीं करता, लाइट आती ही नहीं है। अरे वोट मांगने को सभा घर पे देखो तो पंखा घूमता ही नहीं है, बहुत परेशानी में है। 3 साल हो गए, एक बार भी नोट आया। ये लोग लाइट की समस्या बता रहे हैं, 2-3 साल से इनकी समस्या है। टीपी तो यहाँ रखवा दी जाती है, लेकिन बड़ा धोखा इन लोगों के साथ होता है। जनप्रतिनिधि भी आते हैं लेकिन जला हुआ डीपी रख जाते हैं, जो वहाँ थोड़ी से 1-2 दिन चलती है और जल जाती है। मतलब इसका खराब टाइप की डीपी जो थोड़ा बहुत सदर वा के यहाँ पर रखवा देते हैं तुरंत खराब हो जाती है। इस तरह की डीपी यहाँ रख देते हैं, वो कहते डीपी रखवा दी, तो खराब डीपी यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से इन गांव वालों को बड़ा छला जा रहा, धोखा किया जा रहा है। और जो लोग 10-10 साल से इस गाँव में नहीं रह रहे हैं उनसे ही बिल लिए जा रहे हैं। 10-10 हज़ार उनका बिल चार्ज है, वो कैसे भर पाएंगे? जो लोग यहाँ पर रह नहीं रहे उनका जो मीटर का मिनिमम चार्ज है, बोल रहे हैं ऐसा नहीं कि उन जो बिजली जला भी नहीं रहे उनकी उनका बिल कहता 10-10 हज़ार है, बता रहे पेंडिंग पड़ा है 10-10 हज़ार, तो वो कैसे भरेंगे? तो विद्युत विभाग की लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है, और इनकी समस्या का तुरंत निराकरण होना चाहिए। अगर निराकरण नहीं होता तो ग्रामवासी आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। लीडो की समझ, लीड यहाँ पर है ही नहीं, लीड तो खत्म हो गई है। और यहाँ आए दिन आशंका बनी रहती है कोई घटना दुर्घटना, जाल फैला हुआ है डोरियों का, तो कोई आदमी किसी व्यक्ति को करंट लग सकता है, गाय भैंस यहाँ पर घास चना तो उनको भी करंट लग सकता है, बड़ी जनहानि हो सकती है। तो लीडों को ऊपर भी ध्यान दें, लीडर तुरंत बदलवाएं यहाँ की, और नया डीपी यहाँ पर रखवाने की जरूरत है। इस मांग को पूरा करें, नया था ग्रामीण आंदोलन की बात हो जाएंगे। अच्छा, कौन गाँव के हो? ग्राम पंचायत कटंगी। क्या समस्या है लाइट की? समस्या ये है, जब से केबल लगी है जब से बिजली की समस्या बहुत बनी हुई है हर जगह, और बिल भी देते हैं ये, जैसे बाहर हैं लोग तो उनका ही बिल आता है, वो कहाँ से बिल भरें? जैसे 10 हज़ार हो गया उनका तो वो दे सकते हैं? गरीब आदमी बाहर पलायन है, 3-4 साल से पलायन है, और अब वो नहीं आ रहा है तो बिल बढ़ रहा है, तो ये धमकी भी देते हैं कि लाइट कट जाएगी। ठीक, और केबल लगी जब से जल पूरी केबल जली हुई है, अर्थ नहीं आ रहा 3 साल से, जब से केबल लगी है अर्थ नहीं आया है। अच्छा, तो ये विद्युत विभाग को जानकारी नहीं दी? दी है जानकारी, बिल्कुल हर वक्त मिलती है उनको, और भी बिल भरने आते हैं यहाँ, बिल भरता है जी भी, लेकिन उचित नहीं है उनका नियम। और वो अवहेलना इस बात की करते हैं कि जैसे गरीब आदमी पलायन है बाहर, तो वो बिल क्यों भरे? क्या वो जला रहा है? क्या जलाए बिजली तो बिल भरेगा, नहीं जला रहा तो काहे का बिल? अपना चार्ज है जो मीटर का वो ले सकते हैं आप। तो मीटर की रीडिंग हो रही कि नहीं? नहीं हो रही, बिल्कुल रीडिंग नहीं हो रही। कब से खराब है लाइट? 4 साल हो गए लगभग, जब से केबल लगी है 4 साल लगभग हो गए हैं, तो 4 साल से लाइट नहीं मिलती है। ट्रांसफार्मर कब से खराब है? ट्रांसफार्मर जे नहीं, 2 साल हो गए लगभग, वो रख तो देते हैं लेकिन वो जला वाला रख देते हैं बार बार जला हुआ। अभी वो रखा बड़ा वाला, उनने वो 1-2 दिन चला धुआं में गया तत्काल।